सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करे या ना करे पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सुख भी बहुत है परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। आज का पंचांग 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 2:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:56 से 4:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार, अभी आप अकेले और शांत है, साथ ही अपने सोच योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता है। अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। आज का दिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का है। अतीत के कुछ खट्टे मीठे अनुभव भविष्य के दृढ़ फैसले लेने में मदद करेंगे। आज होने वाली चीजें आपको अपने अतीत की याद दिला सकती हैं। एक दीर्घकालीन योजना हमेशा मददगार रहती है। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है जिसे कल कहते हैं। इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक निर्णयों में लिए गए बदलाव को दर्शाएगा। कोई ना कोई तो रणनीति में परिवर्तन आने पर विचार अवश्य रहेगा। व्यापारिक रणनीति में बदलाव लाभकारी साबित होगा। नौकरी पेशा वर्ग में भी किसी का ट्रांसफर इत्यादि ऑर्डर आ सकता है। पति पत्नी में गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। गले से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी जगह अच्छी तरह से बस गए हैं तो एक बार फिर से सोच लें। शायद आज आपको अपना घर बदलने की जरूरत पड़े। आप शायद खुद ही घर बदलना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको बिना इच्छा के भी घर बदलना पड़े तो भी निराश ना हो। ये बदलाव आपके लिए शुभ ही रहेगा। अच्छा, आपके लिए बड़े सपने देखने का भी दिन है। आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, आज ही उन सब चीजों की सूची बनाएं जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। सावधानियां, आज मनोबल आप बढ़ाएं। आप खर्चा करते समय बजट का ध्यान अवश्य रखें। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में अपने मन मुताबिक आज सफलता नहीं मिलेगी, परंतु अपना मनोबल बनाए रखें, बाद में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी खास की जुदाई आपके लिए अभी असहनीय है, किंतु याद रखें जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। अपने रोमांटिक सपने को पूरा करने के लिए आपको भी कुछ प्रयास करने चाहिए। प्रेम होने का एक अर्थ यह भी है कि आप दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से खुले हैं। आप अपने अतीत के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करके उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे, जिससे आपके भविष्य की नींव मजबूत बनेगी। प्रेम के संबंध में बदलने के लिए अब यह समय उपयुक्त है, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों।
अपने प्रिय को अपने प्यार का एहसास कराना ना भूलें। इसके लिए प्यार भरी मुस्कान ही काफी है। बात करते हैं करियर की। इस समय आप काम को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। अगर आप विदेशियों के साथ व्यापार या काम करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़े प्रयास करें, सफलता मिलने के संकेत हैं। धन की दौड़ में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि पैसा कभी कभी मानसिक समस्याओं और दुखों का कारण भी बन जाता है। आज आप जीवन में आराम और सुरक्षा महसूस करेंगे। नए विचार आपके रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हैं। एक लंबी अवधि की योजना हमेशा आपको शांत रखेगी। बात करते हैं सेहत की। आज आप आराम पर ध्यान दें और खुद पर तनाव न आने दें। पर्याप्त नींद ले आपका ऊर्जा स्तर, मूड और स्वास्थ्य सभी में फायदा होगा। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को केवड़े का इत्र चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।